जय हिंद दोस्तों, मैं अपना YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं CRPF ट्रेड में 2023 माली पोस्ट के बारे में। माली पोस्ट का ड्यूटियाँ क्या होती है और क्या क्या काम करता है, इसको बढ़िया जानेंगे। माली पोस्ट के पहले ट्रेड टेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आपको फूल का बगीचा का मेंटेन करना और हथियार पकड़ना, हथियार के जो हथियार जो माली में यूज होती है, जैसे बड़ा कैंची हो गया, तो वो सब की आपको औजार के बारे में रख रखाव और उसके नॉलेज के बारे में होनी चाहिए। फूल कैसे कटिंग करती की जाती है, वो सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कम से कम हथियार के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, उसके रख रखाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बात करते हैं जब ट्रेड पास हो जाएगी, मतलब ज्वाइनिंग के बाद ड्यूटी के बारे में बात की। सबसे ज़्यादा कमेंट आती है ड्यूटी के बारे में, ड्यूटी क्या करेंगे उस बारे में, उस को सोचकर ही मतलब फॉर्म भरना चाहिए कि हमें जब ज्वाइनिंग कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा तो फिर ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। क्योंकि सब बहुत लोग होते हैं ना कि ज्वाइनिंग कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, ज्वाइनिंग करने के बाद पछताते हैं कि बेकार यार इस पोस्ट में आ गया, इससे बढ़िया तो वो था, छोड़ने का दिल करता, बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमें किस फॉर्म में जा रहा है, इसका काम क्या है, पूरी जानकारी हो जाना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं ड्यूटी के बारे में। इंपॉर्टेंट ड्यूटी रखती है ट्रेड में, कोई ऐसा ट्रेड नहीं है माली ट्रेड में, करीब करीब बच्चे पास हो जाएंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जब आप CBT पहले मेन तो CBT एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें, उसके बाद ट्रेड के बारे में सोचें, और कटअप के बारे में तभी सोचें ही नहीं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रयास करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा CBT नंबर एग्जाम में हमें नंबर लेनी है। चलिए अब बात करते हैं सीधे ड्यूटी के बारे में, इसकी ड्यूटी कहाँ और किस तरह से होती है। देखिए इसमें इसकी ड्यूटी, पहले तो इसकी पेट्रोलिंग ड्यूटी नहीं जाती है, मतलब ये कैंप से बाहर बहुत कम जाती है, रियल केस में नफरी नहीं रहती है, जवान नहीं रहते तो भेजते हैं, नहीं तो नहीं। इसकी ड्यूटी ज़्यादातर मतलब कैंप में ही रहती है, इसकी कैंप में रहती है ड्यूटी। राइफल मतलब इसकी ड्यूटी रात को नाइट ड्यूटी लगती है, तीन घंटे की ड्यूटी, कहीं दो घंटे की, कहीं तीन घंटे की ड्यूटी नाइट ड्यूटी, पेट्रोलिंग या फिर नाइट मोर्चा रहती है वहाँ पर लगती है ड्यूटी। हथियार की इसके ट्रेनिंग में हथियार की सिखलाई दी जाएगी, और पेट्रोलिंग इसकी ड्यूटी नाइट में लगती है, राइफल के साथ लगेगी। और दिन में जैसे आपको फटिक के टाइम जो भी होती है, तो आपको फटिक के टाइम जैसे आपको सुबह 6 बजे रोल कॉल में जाके कुछ कहीं कहीं कैंप में PT वगैरह होती है, तो कुछ PT करना पड़ेगा। नाश्ता के बाद आपको 2 घंटा कम से कम फटिक करना पड़ेगी, क्योंकि एक कैंप में दो या तीन रहते हैं, आपको दे दिया जाएगा माली, जो जैसे कैंप में जो भी बाग बगीचा लगा हुआ रहता है उसको मेंटेन करना, फूल को मेंटेन करना, कटिंग करना, मैदान है उसमें घास कटिंग करना, ये सब वगैरह ड्यूटियाँ रहती है। और नाइट में 2 घंटा मोर्चा ड्यूटी करना पड़ेगा या फिर पेट्रोलिंग ड्यूटी, इसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं। इसमें वेतन की बात करें तो वेतन इसका सब सेम है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर नए ट्रेड में और कुछ भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछें, कमेंट कीजिए, हम जवाब देने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है नए दोस्तों, फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।